मैं अंदर जाकर देखती हूँ। किट्टू, अंदर नहीं जा पाओगी, हर तरफ गार्ड्स हैं। और कोई फायदा भी नहीं है, जोगी हमारी बात नहीं मानेगा। पता नहीं वो क्या करेगा अंदर। I just don't understand. सर, हम जानते हैं आप जुनेजा से मिलने जा रहे हैं, प्लीज मत जाइए, आपको फंसाने के लिए प्लान बनाया गया है। सर, जुनेजा और यादव मिले हुए हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे, पैसों से भरा ब्रीफकेस देखकर तो अच्छे अच्छे लोगों के पैरों में पहिए लग जाते हैं, और तुम जूते घिस घिस कर आगे बढ़ रहे हो। ले लो, सब तुम्हारे लिए है, रख लो अपने पास। अगर किट्टू की बात सच निकली तब तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा, माइंड ब्लोइंग आफत आ जाएगी। सरकार, यादव की क्या हालचाल? यादव? कौन यादव? अरे, पुलिस इंस्पेक्टर यादव, माइंड ब्लोइंग, मुझे तो लगा आपका वो खास आदमी है। नहीं, मैं किसी यादव वादव को नहीं जानता। ओह, ये तो बहुत बुरी बात, तो बहुत गलत बात है सरकार, क्योंकि ये वो आदमी है जिसे कल के बाद सारा देश पहचानेगा। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे न्यूज चैनल ने इन पर एक स्पेशल स्टोरी की है। स्टोरी? कैसी स्टोरी? इंस्पेक्टर यादव चंदा नाम के महिला से रिश्वत लेते पाए गए। एनएन के हिडन कैमरा पर। कल सुबह की ब्रेकिंग न्यूज जरूर देखिएगा। कल सारी न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज। एनएनएन का रिस्पॉन्डेंट रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और हाँ, उस यादव के बच्चे को कहिए कि बच्चों की तरह लुका छिपी खेलना बंद करे और बाहर निकलकर अपनी नौकरी बचाने के बारे में सोचे, क्योंकि उसे यहां कुछ नहीं मिलेगा। जोगी साहब, जोगी साहब, हम कुछ कर नहीं सकते। चाय पी सकते हैं, लेकिन यहां चाय की कोई दुकान ही नहीं है। प्रभाकर, प्लीज। किट्टू, हर बात को इतनी पर्सनली मत लिया करो। हम जितना कर सकते थे हमने किया, अब आगे जो भी करना है वो जोगी करेगा। जोगी साहब जी, मैं वो जुनेजा साहब के कहने पर आप वो पैसे लेते और मैं आपको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेता। अरे, उल्टी करना था तो अपनी चौकी में जाकर करता, मेरे बंगले में आकर क्यों किया? माइंड ब्लोइंग। जुनेजा साहब, अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझिए। जो यहां पर खिचड़ी पक रही थी उसकी बदबू मुझे पहले ही आ चुकी थी। यादव तो बेचारा टटपुंजिया है, इसके जैसे हजारों की किस्मत में बदल चुका हूं। से एक गलती हो गई जो तुम्हारे उस नालायक टीटू को मैंने बचा लिया। खैर, बहुत जल्दी आपका भी नंबर आने वाला है, आप भी टीवी पर दिखोगे, बहुत बढ़िया दिखोगे। इतना गुस्सा मत होइए, इस उम्र में अच्छी बात नहीं है। रिकॉर्डिंग कर रहा है। फिर मिलेंगे। और हाँ, पीछे से वार करने की कोशिश मत करना, मेरी टीम बाहर इंतजार कर रही है। ऑल द बेस्ट। ओह,
जोगी साहब, जोगी साहब। चलाक, जोगी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो? अभी बच्चे हो, बच्चे समझे? मुझे बचा लो जोगी साहब, मुझे बचा लो जोगी साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा था पैदा करने को बच्चे, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी बीवी भाग जाएगी। जोगी साहब, जोगी साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं जाने नहीं दूंगा। जोगी साहब, जोगी साहब, मैं जाने नहीं दूंगा। आप चंदे का मामला से, वो चंदे का मामला को किस तरह दबा लो जोगी साहब? मैं गुलाम बन जाऊंगा आपका, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मुझे बचा लो। मैं तो मालिनी वाला किस्सा भी जानता हूँ, कहो तो वो भी बता दो। नहीं जोगी साहब, नहीं जोगी साहब, मैं मर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, देखो वो टेप तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, मैं कमिश्नर साहब से बात करके देखता हूँ, ठीक है? थैंक यू जोगी साहब। जाइए। थैंक यू। थैंक यू। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये दो लव मुझे तुम लोगों को बोलने पड़ेंगे। जिंदगी भी क्या मोड़ लेती, माइंड ब्लोइंग। अब चलिए, युवराज सर और बलराज सर आपका ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। सरदा मत कीजिए, मुझे नौकरी संबंधित कार्य है सर। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरी बीवी को नौकरी करनी पड़ेगी, मेरा घर गिरी हो जाएगा सर। मुझे मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे सर, प्लीज सर। जोगी, परेशानियां हम सबकी जिंदगी में होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्वत लेकर अपना घर भरना शुरू कर दें। मैं जानता हूँ सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज एक बार सर। जोगी प्लीज, आई एम सॉरी, अब बहुत हो गया है, प्लीज प्लीज गेट अप फ्रॉम हियर। मैं जानता हूं सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं एक अच्छा पत्रकार बन सकता था, पर जैसे जैसे मेरी पावर बढ़ी, करप्ट पॉलिटिशियन ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मैं फिसलता गया सर। मुझे एक बार माफ कर दीजिए सर, मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्लीज सर। सर प्लीज एक बार मैं आपके पैर पड़ता हूं सर, एक बार और मौका दीजिए प्लीज सर। ओके ठीक है जोगी, इतने साल जो तुमने यहां अच्छा काम किया है उसकी खातिर तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। थैंक यू सर। लेकिन एक बात याद रखना, 2 महीने तक तुम्हारा काम ऑब्जर्व किया जाएगा, अगर एक भी गलती हुई तो यह खत दोबारा वापस नहीं लिया जाएगा। एक बात और कान खोलकर सुन लो जोगी, अब से तुम किसी भी एडिटोरियल डिसीजन में शामिल नहीं होगे, तुम सिर्फ शूट्स को कोऑर्डिनेट करोगे और उन्हें प्लान करोगे एक सीनियर प्रोड्यूसर की हैसियत से, बस। इससे ज्यादा तुम्हारा किसी भी चीज में दखल नहीं होगा। ओके सर, एंड थैंक यू सर, आई एम रियली थैंक यू। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट, मैं आप सभी लोगों का एक मिनट लेना चाहूंगा, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मेरी गलती की वजह से इस न्यूज चैनल को काफी नुकसान हो सकता था और मेरी नौकरी भी जा सकती थी। पर बलराज सर और युवराज सर की मेहरबानी से आज मैं
फिर आप लोगों के साथ काम कर सकता हूं। इस मेरी बड़ी सी खुशी में मैं आप लोगों को भी शामिल करना चाहता हूं। आप सबको इनवाइट करने के लिए ये काफी तो नहीं होगा, मगर मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपना शुक्रिया अदा करने की। इस साल की होली पार्टी मेरी तरफ से होगी। होली पार्टी? एनएनएन में हर साल होली की पार्टी होती है, इसमें जोगी पी के आउट हो जाता है और उसके गुंडे दोस्त भी शामिल होंगे। एक काम करते हैं, पुलिस को भी बुला ही लेते हैं, एक ही बार में सारा मामला। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस होली पार्टी में आएंगे। जोगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज सर, आप लोग मुझे इतना तो करने दीजिए। जोगी, तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना अंदर क्या बात हुई है? सर, मुझे अच्छी तरह याद है, वो मैं कैसे भूल सकता हूं। तो ये तय रहा कि इस साल की होली पार्टी जो मेरी तरफ से ऑर्गेनाइज है, आप सभी लोग आएंगे। थैंक यू। अरे ये डेडली मसाला नहीं है भाई, इसे कहते हैं स्वागत अमृत। स्वागत अमृत, एक बार जब गले के अंदर उतरेगा तो मन रंगीन हो जाएगा। शिव जी का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद नहीं बोला। और तुम्हें कुछ और दिखाता हूं भाई। अरे एक मिनट, बहुत पुरानी जगह है, सारे पुरखों यहाँ इस पर डुबकी लगाते थे तो पवित्र हो जाते थे। क्या भाई, अब डेडली को भी पवित्र कर दो। परिवार, अरे आइए, आई होली लीजिए। एक सेकंड, इसमें क्या मिला हुआ है? ये मथुरा की ठंडाई है, कुछ नहीं, आप पी जाइए बस, और कुरकुरे खाइए। ठंडाई नहीं, मैं कुरकुरे लेती। नहीं, ठंडाई भी पीजिए, ऐसा मत कीजिए। अरे दक्षा जी, आप बोलिए। अरे इसमें कुछ गड़बड़ नहीं, आप लीजिए ना, लीजिए। अरे सर लीजिए, ठंडाई। सर मत पीजिएगा सर, इसमें कुछ मिला हुआ है। सर इसमें कुछ नहीं मिला हुआ था, मैं आपसे कुछ मजाक कर सकता हूँ। रमनलाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कोई मजाक नहीं कर सकता। सर पीजिए, पीजिए सर, नहीं कुछ नहीं है, आप भी लीजिए। कुछ नहीं मिला इसमें, अगर इसमें कुछ मिला हुआ तो। कुछ नहीं मिला इसमें, अगर मिला तो मैं तुम्हें। अरे पीजिए तो सही, अरे लीजिए तो सही, पीजिए। आर यू ओके? होली खेलोगी? लीजिए। होली मुबारक, होली मुबारक, होली सर, हैप्पी होली रोली, हैप्पी होली, हैप्पी होली नयन, हैप्पी होली नयन। माइंड ब्लोइंग, आज होली तुम्हारे साथ है। अरे हैप्पी होली भाई, आप ही को हैप्पी होली, खुश हैप्पी होली। होली मुबारक, होली मुबारक, आइए। आपको भी मुबारक हो, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी रक्षा, आपको भी होली मुबारक।